दोस्तों मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंड्रेला। पापा शुक्र। हाँ शुरू करो। एक अमीर की पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। जब उसे पता चला कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी तो उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी तुम्हें अपने पिता की हर बात माननी चाहिए तथा हमेशा दूसरों के साथ अच्छा, ये क्या पापा, बर्ताव, क्या ये बर्ताव बर्ताव करना चाहिए। उसने बेटी से यह वादा भी किया, मैं हमेशा वहाँ से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नन्ही लड़की अपनी माँ के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी। वह हर रोज माँ की कब्र पर जाकर प्रार्थना करती। बसंत के महीने में उस अमीर ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उस अमीर ने शादी की। उसकी पहले से दो बेटियां थी, नई बीबी और उसकी बेटियां। सुंदर तो बहुत थी पर वे दयालु नहीं थी। वे नडेडी निर्दयी और दुष्ट थी। वे अपनी सौतेली बहन से जलती थी। जल्दी से वे अपनी सौतेली बहन से घर के सारे काम करवाने लगी। पानी भर कर लाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, जूतों की पॉलिश करना और भी घर के सारे छोटे मोटे काम वे उस बेचारी से करवाती। एक दिन उन्होंने उससे उसके सारे सुंदर कपड़े छीन लिए और उससे स्लेटी रंग की गंदी सी पोशाक पहनी को दे दी। उन्होंने उससे कहा कि अब उसे रसोई में ही सोना होगा। वह बेचारी रसोई में चूल्हे के पास पड़ी राख पर सोने लगी। सौतेली बहनों ने उसे धूल और राख में जब लिपटा देखा तो उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वे उसे सिंड्रेला कहकर पुकारने लगी। एक दिन जब उनके पिता काम में बाहर जाने लगे तो उन्होंने बेटियों से पूछा कि वे उनके लिए क्या ले कर आए। उनमें से एक ने अपने लिए अच्छी पोशाक मंगवाई तो दूसरी ने मोतियों की माला और गहने मंगवाए। सिंड्रेला ने कहा कि उनके टोप से जो पहली चीज टकराई वे उसी ही। सिंड्रेला ने कहा कि उनके टोप से जो पहले चीज टकराई वे उसे ही उसके लिए लेते आए। उस आदमी ने कहा अपने छोटेली बेटियों के लिए सब कुछ खरीद लिया। जब वह घर आ रहा था तो अचानक सुपारी के पेड़ की टहनी उसके टोप से टकराई। वह उससे ही तोड़ कर सिंड्रेला के लिए लेटा आया। सिंड्रेला ने उस टहनी को माँ की, ये पापा, कब्र के पास ही रोप दिया और रोने लगी। जैसे ही उसके आशाओं ने टहनी को छुआ वहां सुपारी का बड़ा सा पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक सफ़ेद कबूतर आने लगा। सिंड्रेला जो भी चाहती वह उसे ला कर दे
बेटा, एक दिन उन्होंने सुना कि राजा के महल में 3 दिन के लिए कोई जी क्या पापा ये जश्न जश्न होने वाला है। सभी को ठीक है न्योता दिया, मतलब इनविटेशन न्योता दिया गया था ताकि राजकुमार वहां आने वाली युवतियों में से अपने लिए एक दुल्हन चुन सके। सौतेली बहनें यह समाचार सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें पूरा यकीन था कि राजकुमार उन दोनों में से किसी एक को चुन ही लेगा। इसलिए उन्होंने सिंड्रेला को क्या पापा कहाँ पे ये हुक्म दिया कि वह उनके सबसे सुंदर कपड़े तैयार करे और जूतों की पॉलिश कर दे। सिंड्रेला ने जब वह पूछा कि क्या वह भी इस दर्शन में जा सकती है तो सब उस पर हंसने लगी। धूल और राख में से डरी हुई लड़की जरा अपनी शक्ल तो देख तू राजा की महल में जाएगी, कहते हुए दोनों बहनों ने सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ बोली कि उसने राख के ढेर में मटरों से भरा एक बर्तन उलट दिया है। अगर सिंड्रेला 2 घंटे में सारे मटर खाट ये क्या पापा ये छांट लेगी तो वह दर्शन में शामिल होने जा सकती है। सिंड्रेला ने सारे पक्षियों के मदद के लिए बुला लिया। जल्दी ही बहुत सारे पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए वह आ गए। उन्होंने सारी मटर चुन कर कटोरे में निकाल दिए। सौतेली माँ को यह देख कर गुस्सा आया कि सिंड्रेला ने एक ही घंटे में सारा काम निपटा दिया था। उसने उससे कहा कि वह उनके साथ नहीं आ सकती क्योंकि वह बहुत गंदी लग रही है और उसने शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। इसके बाद उसने 2 कटोरे मटर और राख में डाल दिए हैं। उन्हें राख में से निकालने को कहा। सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ डांस ये क्या पापा डांस के दर्शन में चली गई। वे अच्छे अच्छे कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रही थी। सिंड्रेला अपनी माँ की क्रब के पास जाकर रोने लगी। अचानक वह चिल्लाई ओ मेरे प्यारे पैर, मुझ पर सोने और चांदी की कर बरसात और पैर पर रहने वाली सुंदर कबूतर ने उसके लिए चमाटी पोशाक और उससे मेल खाते जूते नीचे फेंक दिए। इसके बाद सिंड्रेला डांस के लिए चली गई। राजकुमार चमचमाती पोशाक में सज्जी नाचता रहा। सौतेली बहने हमारे जलन के देखती रही पर वे सिंड्रेला को पहचान नहीं सकी थी। वे तो उसे राख में से मटर चुनने के लिए घर
छोड़ आई थी। जब शाम होने लगी तो सिंड्रेला ने कहा से जाना चाहा। राजकुमार उसे घर तक छोड़ने आया पर वह अचानक कबूतर के डड़बे से होते हुए माँ की कब्र तक चली गई, जहाँ उसने अपनी पोशाक और जूते वापस कर दिए और कपड़े बदल कर अदर चली गई। कबूतर सारा सामान वापस ले गया। राजकुमार कबूतर के डरबे के पास ही उसे खोजता रहा। उसे सिंड्रेला के पिता ने देखा लिया पर वह तो कहीं नहीं दिखे। सिंड्रेला के पिता ने राजकुमार को देखा तो वे उसे कुछ पूछ नहीं सके, लेकिन वे भी परेशान थे कि राजकुमार उनके घर क्या करने आया था। वे सोचने लगे कि वह उनके सौतेली बेटियों से मिलने तो नहीं आया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सिंड्रेला के पिता ने सोचा कि कह राजकुमार उनके सिंड्रेला के पीछे तो नहीं आया, पर जब उन्होंने सिंड्रेला को खोजा तो वह थकी हुई कुर्सी का सहारा लिए जमीन पर बैठी थी। उसके पास मटर से भरे दो कटोरे रखे हुए थे। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। सिंड्रेला चमचमाती पोशाक और जूते में सज कर बाहर आए। एक बार फिर पिता के बाग से गायब हो गई और राजकुमार उसे नाशपाती के पेड़ के नीचे खोजता रहा। सिंड्रेला के पिता और राजकुमार लाख चाहने पर ही भी रुपी के पापा क्या ये नीचे ये रूपहाली रूपहाली पोशाक वाली लड़की को नहीं खोज सके। उन्हें तो मैंने मैले कपड़ों में राख में सोई सिंड्रेला ही दिखाई देती थी। राजकुमार जानता था कि अगर उसने लड़की के बारे में पता नहीं लगाया तो वह जल्दी ही उसे खो बैठेंगे। तीसरी दिन उसने सीढ़ियों पर बीचे कालीन के नीचे क्या पापा का गड्ढे गड्ढे करवा दिए ताकि सिंड्रेला वापस जाने लगे तो उसका पैर उसमें फंस जाए। उस दिन सिंड्रेला सुनहरी पोशाक और मेल खाटे सुनहरी जूतों में आई थी। जब वह भाग कर जाने लगे तो उसका पर कालीन में फंस गया। राजकुमार भाग कर पीछे आया पर वह टक जा चुकी थी। उसे वहां कालीन में पड़ा एक सुनहरा जूता ही दिखाई दिया। वह सिंड्रेला के पिता के पास उस जूते को लेकर गया और उनसे उसके बारे में पूछा। श्रीमान, उस लड़की ने आज यह जूता पहन रखा था, क्या आपके घर में ऐसा कोई है जिसके पैर में यह जूता फिट आ सके, उसने पूछा। सौतेली माँ ने बड़ी लड़की को जूता पहनाया
उसकी पैर के लिए वह बहुत बड़ा था। उसने अपनी बेटी का पैर काट दिया ताकि उससे जूता आ सके। तभी पेड़ पर बैठे पक्षी ने कहा कि वह असली दुल्हन नहीं है। राजकुमार ने जूते में लगा खून देखा तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। सौतेली माँ ने छोटी बेटी को जबरदस्ती जूता पहनाना चाहा, पर उस इस बार भी पक्षी ने उसकी पोल खोल दी। उसके बाद राजकुमार ने पूछा कि क्या उनके घर में कोई घर खिड़की भी रहती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बेटियों ने बुरा सा मुंह बनाया और चुप खड़ी रही। वे नहीं चाहती थी कि राजकुमार के सामने सिंड्रेला का नाम भी लिया जाए। लेकिन ये क्या है पापा? क्या आराम से ये क्या है? देखो कहाँ पे ये किधर हो गया? वो दिखा मुझे। देखो ये क्या है? कहाँ पे? अरे मुझे दिखाओ तो। इशा से काम नहीं बनता है, वह और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उससे अपनी नजर में ही व्यक्त गिर जाता है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों के साथ ऐसा ही हुआ। सिंड्रेला के पिता धूल और राख में सने सिंड्रेला को बीटा से ले आए। राजकुमार हैरान था कि वह जूता तो उसके पैर में फिट आ रहा था। जो ही उसने उसे ध्यान से देखा तो वह पहचान गया, यह तो वही लड़की थी जिसके साथ वह पिछले 3 दिन से जश्न में नाच रहा था। कबूतर पास आया और उसने चमचम करते पोशाक सिंड्रेला ऊपर फेंक दी। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने छोर घोड़े पर बैठा लिया और महल में ले गया। वहाँ राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली। जब सिंड्रेला महल में जा रही थी तो कबूतर भी उसके कंधे पर बैठ कर उसे के साथ चला गया। सिंड्रेला ने अपने जीवन की सारी खुशियाँ पा ली। वह बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की थी। वह शादी के बाद अपने माता पिता और बहनों को नहीं भूली। उसने उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे उपहार भिजवाए। वह उसने उनसे मिलने भी जाती है। जो दूसरों की भूलों को भूल जाए वह तो अच्छा कहलाता है। सिंड्रेला सच में बहुत अच्छी है क्योंकि वह उनके हित के बारे में भी सोचती है। जिन्होंने कभी उसका हित नहीं किया वे सदा उसके आहित का ही सोचते रहते हैं, कभी उसका भला नहीं चाहते। तो दोस्तों ये थी आरव की आज की स्टोरी। क्या नाम था आरव स्टोरी का? सिंड्रेला। तो आज के लिए इतना ही। ये लंबी स्टोरी थी तो ये 2 एपिसोड की 1 स्टोरी हमने बना दी है। तो आज के लिए
नाई। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय।